Hello everyone, welcome back to my channel Swad. Today's recipe is everyone's favorite chocolate cake. So let's see how to cook it. केक बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस प्लेट या जिस केक टिन में हम लोग केक बनाएंगे उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक प्लेट ले ली हूँ, इसी में मैं केक बनाऊंगी। इसमें एक टीस्पून तेल डाल के इसको अच्छे से ब्रश की मदद से इसको चारों तरफ से फैला के इस तरह से ब्रश कर ली ताकि केक चिपके नहीं। अब हम लोग बैटर का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक बाउल ली हूँ और इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। साधारण चीनी को ग्राइंड कर ली हूँ एक मिनट के लिए, तो वो पाउडर शुगर हो गया है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेंगे बिना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 3/4 कप दूध। मैं यहाँ कच्चा दूध ले रही हूँ, आप चाहें तो दूध को गर्म करके ठंडा किया हुआ भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि चीनी थोड़ा सा पिघल जाए। फिर इसमें डाल देंगे एक चम्मच दही। दही के जगह आप एक टीस्पून विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच वेनिला एसेंस, 3 से 4 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस की। ये इसमें ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास अगर होगा तो आप इसमें डालें वरना ना डालें। अब इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। हमेशा केक बनाते समय एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है उसे हमें छान कर डालना है। इसलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेनर ली हूँ और इसमें 1 कप मैदा डाल दी, और मैदा को इस तरह से हम लोग पहले स्ट्रेन कर लेंगे। मैदा को छान लेने के बाद अब इसमें डाल देंगे आधा कप कोकोआ पाउडर। तो इस तरह से कोकोआ पाउडर को भी हम लोग छान लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक, और इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। तो यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करना है, इस तरह से मिलाएंगे, कट एंड फोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे, इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए बैटर जो है काफ़ी थिक लग रही है, तो इसमें फिर हम थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब दूध मिला के इसको फिर से अच्छे से मिला लूँगी। तो ये देखिए ये मैं बैटर को अच्छे से मिला ली हूँ, और बैटर की जो कंसिस्टेंसी हो रिबन कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे इस तरह से स्टीम करें, या फिर इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी और इसको अच्छे से मिला देंगे। मैं इस केक को कढ़ाई में स्टीम कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। बैटर तैयार हो गया, अब इसको जिस प्लेट को हम लोग ग्रीस करके रखे थे उसमें इस बैटर को डाल देंगे। तो बैटर को मैं यहाँ पे डाल दी हूँ, अब थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, ये इसमें ऑप्शनल है, चाहे तो इसे ऐसे भी स्टीम कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, अब इसको इस तरह से सजा लूँगी और ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे इस तरह से। अब इसको ले चलते हैं स्टीम करने के प्रोसेस में। स्टीम करने के लिए मैं पहले से कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ, और साथ ही अंदर में एक स्टैंड भी रख दी हूँ। अब उस स्टैंड के ऊपर इस प्लेट को रख देंगे और इसको कवर करके 45 मिनट तक लो फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो इस तरह से गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 45 मिनट तक स्टीम करेंगे। 45 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से ये देखिए केक को एक बार चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए एक टूथपिक की मदद से इसको इस तरह से अंदर में डालेंगे और इसको निकालेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकल रही है, इसका मतलब केक जो है अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे और निकाल के थोड़ा सा हल्का ठंडा कर लेंगे।
तो इस तरह से ये देखिए हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसको इस तरह से साइड से हल्का सा स्क्रैच करेंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर एक थाली को इस तरह से रखेंगे और इसको डिमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से सावधानी से करेंगे, इसमें थोड़ा सा टैप करेंगे। ये देखिए वाव, तो सुंदर दिख रहा है। अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये केक, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच चोको चिप्स, ये इसमें ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें नहीं तो नहीं डालें। तो ये केक जो है रेडी हो गया। ये पास से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत टेस्टी भी होता है। अब इसको कट करके देखेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं हम लोग। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। वाओ कितना स्पॉन्जी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि